अजय भाई हमारे आगे बिल्कुल दूल्हा बने हुए हैं। सुनिएगा कि बदन है विदेशी, हृदय है स्वदेशी। कि बदन है विदेशी, हृदय है स्वदेशी। ढली सांचे में मानो हर मांस पेशी। तुम्हारे अधर को कमल कह दू लेकिन, तुम्हारे अधर को कमल कह दू लेकिन, न पड़ जाए पीछे मेरे कांग्रेसी। और मैं बड़ी देर से सबको सुन रहा हूँ, मेरा काव्य पाठ क्या है कि भ्रमर के हृदय में सुमन का नशा है। भ्रमर के हृदय में सुमन का नशा है। भ्रमर के हृदय में फोटो ले लो यार एक बार, बस जहाज इधर से लो एक है जैसा तो आएगा। कि भ्रमर के हृदय में सुमन का नशा है। सुमन को भ्रमर की छुअन का नशा है। मेरे डगमगाते कदम तुम न देखो, मेरे डगमगाते कदम तुम न देखो। मुझे दो नशीले नयन का नशा है। मुझे दो नशीले नयन का नशा है। और ठाकुर जी के दरबार में खड़ा हूँ, लगन लग गई है, लगन का नशा है। लगन लग गई है, लगन का नशा है। लगन में भजन है, भजन का नशा है। मेरा क्या करेगा कोई विष का प्याला, मेरा क्या करेगा कोई विष का प्याला। मुझे श्याम जैसे सजन का नशा है। मुझे श्याम जैसे सजन का नशा है। वाह, जैसे सजन का। और हमारे कवियों ने तमाम कविताएं पढ़ी, मैं पूरी रात मैंने सुना है और सबको सुन रहा हूँ और सबने अपने अपने ढंग से कहा। गजेंद्र भाई, जिनको जल्दी थी और आपको अगर जल्दी नहीं है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सब दूर के सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं, तुम पूरे उन्मुक्त होकर के पूरे पूरे गजेंद्र को यहाँ प्रदर्शित कर दीजिएगा। एक लंबी समय की प्रतीक्षा के बाद ये आपको सुन पा रहे हैं। अगर मेरी बात ठीक है तो जोरदार तालियां बजा करके मेरा समर्थन कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, गजेंद्र को गजेंद्र होकर के पढ़ना है। 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट का कोई बंदे साहब हमारे कवियों ने पढ़ा बहुत सारा, मैंने सुना। 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा, फिर मैं पढ़ता हूँ। स्वागत भाई गजेंद्र। कि कबीरा की चादर कहाँ बेच खाई। वाह, कबीरा की चादर कहाँ बेच खाई। कहाँ लेके जाओगे अंधी कमाई। ये क्या हाथ में है निराला के बेटों, निराला के बेटों। ये क्या हाथ में है, सपा का है कागज कलम भाज पाई। सपा का है कागज कलम भाज पाई। सपा का है कागज। आप बहुत अच्छा सुनने वाले हैं। सुमित्रा ने बहुत अच्छा पढ़ा। मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी ऊर्जा लाती कहाँ से हो, तो बोली मेरा कोई ऐसा प्रेमी है नहीं जिससे मैं ऊर्जा ग्रहण करूं। तो मैंने कहा कि ये मेरे भी आधे बाल सफेद हो गए हैं, धूप में नहीं हुए हैं। कि फूल से कौन बंधा भंवरा, सब जान रहा यह बाग कमाली। अब सही बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मन दीजिएगा। हमारी प्रेमिका थी जो ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजती थी हमको, तो हमारे कई दोस्तों के पास भी वैसे ही मैसेज आते थे और वो हमको मिलती थी तो कहती थी हमने आज तक किसी की तरफ आंख उठा के देखा तक नहीं है। तो फिर मैंने ये पंक्तियां लिखे, सुनिएगा। कि फूल से कौन बंधा भामरा, सब जान रहा यह बाग कमाली। और कली को यही लगता
उसने सबसे यह बात छुपा ली। कंजूस नयन में अंजन है, कंजूस नयन में अंजन है, यह रूप सिंगार ये होठ पे लाली। कंजूस नयन में अंजन है, यह रूप सिंगार ये होठ पे लाली। लोग कहे कुछ दाल में काला है, जान गए हम दाल है काली। दाल में काला है, जान गए हम दाल है काली। चांद अमावस बाद बढ़े, चांद अमावस बाद बढ़े, तुम चंद्र कला सी सदा बढ़ती हो। रूप सुधा छल का करके मन सीप में मोतियों सी गढ़ती हो। कोई भले कुछ भी समझे तुम, चांद सितारों में जो पढ़ती हो। कोई भले कुछ भी समझे तुम, चांद सितारों में जो पढ़ती हो। जानता हूँ भली भांति मैं ये, तुम शाम को क्यों छत पे चढ़ती हो। कि जानता हूँ, इसलिए मैं आपसे भी कहता हूँ, कई श्रोता यहाँ से आ जा रहे हैं। और वाह, ये भी बहुत पहले मैं एक बार चरखारी आया था, पीयूष नागई जी ने हमें बुलाया था, आज वो नहीं है हमारे बीच। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ इस मंच से, और आपसे भी चाहता हूँ एक बार उनका स्मरण करें। मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। सुमित्रा ने बहुत अच्छा एक गीत पढ़ा था कि राजकुमार मेरे दिल के महल को अब तो कर दे खाली। मतलब कि जब तक ठीक था तब तक ठीक है, बाकी फिर राजकुमार खाली कर दे। मतलब हम कोई किराएदार हैं जो खाली कर दे, काहे खाली कर दे। तो बात यह है ना कि प्रेम से जब कोई मार्ग बदलता है तो समझ लो कि ईश्वर की आराधना में बाधा उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि प्रेम ईश्वर की आराधना है। कि राह न यूं बदलो अपनी, हम यूं ही नहीं तेरी राह में आए। राह न यूं बदलो अपनी, हम यूं ही नहीं तेरी राह में आए। बाह न जाने खुली कितनी, पर एक तुम्हारी ही बाह में आए। थाहत सिंधु कई अब नैन के सिंधु अथाह में आए। थाहत सिंधु कई अब नैन के सिंधु अथाह में आए। नैनु हटे लगे आम की छाह को, छोड़ बबूल की छाह में आए। यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें, मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। ईश्वर जो चाहता है, आज कई कवि सम्मेलन है हम कहीं चले जाते लेकिन यहीं क्यों आए? शायद ईश्वर का कारण है कि ईश्वर ने मुझे भेजा है यहाँ, और आप सब श्रोताओं का स्नेह पाने के लिए। इसलिए मैं जितनी देर हूँ थोड़ी देर आप सुन लीजिएगा कि यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें, मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। सत्य यही है कि ईश्वर चाह रहा था तुम्हें हमसे चहवाए। चाहल दो दिल दूर करे वह, चाहल दो बिछड़ों को मिलाए। चाहल दो दिल दूर करे वह, चाहल दो बिछड़ों को मिलाए। चाह उसी की गजेंद्र, जहां जहां सूल उगे वहां फूल खिलाए। चाहले राई पहाड़ करे वाह, चाहे पहाड़ को राई बनाए। चाहले राई पहाड़ करे वाह, चाहे पहाड़ को राई बनाए। चाहे तो भीख मंगा दे गली गली, चाहले तो ठकुराई दिलाए। चाहले तो दुर्योधन का घर त्याग दे, साग विदूर का खाए। चाहले तो दुर्योधन का घर छोड़ दे, साग विदूर का खाए। चाहले तो कुटिया में रहे, चाहे सोने की लंका में आग लगाए। दो तीन तालियां जो बजी हैं वो भी तीन चार लोग लोड ले रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ, देखो थोड़ा समय है, मैं बहुत दिन बाद आया हूँ, और हो सकता है भविष्य में बहुत दिन बाद फिर आना हो या ना आना हो, समय अपने हिसाब से चलता है। आज की रात आपसे मैं अनुबंध करना चाहता हूँ कि प्यार की रीति निभा दो, प्यार मिले ना मिले यूं निभाने वाला।
हमारे आदरणीय रोहित जी हैं, हमारे प्रदीप जी हैं, ये दोनों लोग जानते हैं कि मैं किस परिस्थिति में आया। शशिकांत जी जो बात कह रहे थे, उन्होंने कहा कि पैसे वहाँ नहीं है, मुझे भी मालूम था कि पैसे नहीं है, लेकिन मैंने उनसे यही बात कहा था। ये मैंने नहीं पैसे लेकिन मैं आया ना, मैंने ये तो नहीं कहा कि नहीं, मैंने जो मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं शशिकांत जी से मैंने यही कहा कि वहाँ श्रोता बहुत अच्छे हैं, इसलिए वहाँ चलिए, पैसे भले कम हैं लेकिन पैसे तो बहुत जगह मिल जाते हैं। कई बार महानगरों में बहुत बहुत पैसा होता है लेकिन उनके पास कविता सुनने का समय नहीं होता, वो 5 मिनट कहते पढ़ दीजिए, हम भी 5-4 मिनट तक पढ़ देते हैं और काफ़ी मोटा लिफाफा लेके चले आते हैं, लेकिन वहाँ मन तृप्त नहीं होता। मन ऐसे कवि सम्मेलनों में तृप्त होता है जहाँ पर श्रोता अच्छे होते हैं। ये बात मैंने उनसे कही थी, यही बात मैं दोहराना चाहता था, ये सच्ची बात थी जो उन्होंने कही थी पहले, इसलिए मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि प्यार की रीति निभाह दो प्यार, मिले ना मिले। अच्छा, अखिलेश जी का ज़्यादा लोड ना लो, वो बचपन में उनका मेंटल स्टेटस थोड़ा गिर गया था और दूसरे उनकी मतलब थोड़ा सा है, वो अपना दवा पानी करते हैं, इलाज चल रहा है, भगवान करेंगे जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप एक बार तालियां बजा दीजिए उनके लिए कि प्यार की रीति निभाह दो प्यार। आपको लग रहा कोई सामान्य व्यक्ति है पूरी रात हरकतें कर रहा उल्टा सीधा? अब आपको इतना भी ना समझ हो तो अलग बात है कि प्यार की रीति निभाह दो प्यार, मिले न मिले यूं निभाने वाला रूप तुम्हारा समंदर है, दिल मेरा समंदर थाहने वाला, यौवन भार से देह झुकी इसे चाहिए कोई संभालने वाला, यौवन भार से देह झुकी इसे चाहिए कोई संभालने वाला, आज तुम्हें मेरी चाह नहीं रहेगी न चाहने वाला, आज तुम्हें मेरी चाह नहीं कल चाह रहेगी न चाहने वाला। लड़के ने ये निवेदन किया कि आज मुझे चाह लो, लेकिन लड़की ने कहा कि नहीं, मेरे दिल का राजमहल खाली कर दो। अब वो जब खाली करके तो वो लड़का गया कहाँ? काट रहा दिन जैसे तैसे, काट रहा दिन जैसे तैसे, यह मत पूछो कैसे कैसे, जब से दूर गई हो तब से, जब से दूर गई हो तब से, लगा लगा दरबार में लूट रहे हैं लूटने वाले, लुटा रहा हूँ प्यार में, लूट रहे हैं लूटने वाले, लुटा रहा हूँ प्यार। 15 साल पहले मैंने उसका राजमहल खाली किया था, 15 साल हुए इस बात को। आधा जीवन सड़क खा रही, आधा रेल सवारी, आधा जीवन सड़क खा रही, आधा रेल सवारी, भारी पड़ गई मेरे प्यार पर घर की जिम्मेदारी, मैं बापू का कर्जा भरता या तो मांग तुम्हारी भरता, मैं बापू का कर्जा भरता या तो मांग तुम्हारी भरता, मरता तो मैं क्या ना करता था इतना लाचार में, लूट रहे हैं लूटने वाले, लुटा रहा हूँ प्यार में, लूट रहे हैं लूटने वाले, लुटा रहा हूँ प्यार। संसार में मैं भी कवि सम्मेलनों में खूब घूमता हूँ, बहुत सारे अच्छे चेहरे भी मिलते हैं, लेकिन उस एक चेहरे के बिना जिंदगी इतनी अधूरी लगती है। मैं ये 2 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ भैया, स्वागत, लुटा रहा हूँ, वीरेंद्र भाई जिंदाबाद। ऐसा नहीं महावर मेहंदी करते नहीं इशारे, ऐसा नहीं महावर मेहंदी करते नहीं इशारे, लेकिन कलम पकड़ ली कंगन मैंने नहीं निहारे, मैं गेहूं में बाली लाता हर मजबूर आशिक की कथा। वाह 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 गजेंद्र भाई जिंदाबाद, थोड़ा उन्मुक्त होकर के आप सुनिएगा। करते नहीं इशारे, लेकिन कलम पकड़ ली कंगन मैंने नहीं निहारे, मैं गेहूं में बाली लाता
या होंठों की लाली लाता, मैं होंठों की लाली लाता, या गेहूं में बाली लाता, किस चूल्हे पर प्यार पकाता, क्या करता सिंगार में, लूट रहे हैं लूटने वाले, लूट रहे हैं लूटने वाले, भाई वहाँ गजेंद्र भाई जिंदाबाद, लूट रहे हैं लूटने वाले, वाह, पंद्रह साल हुए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो मैंने खुद भोगा न हो, वाह, कि मैं था कहाँ कहाँ तक आया इन पंद्रह सालों में, वाह, आइए सर प्रणाम, आपका आशीर्वाद दे दीजिए, वहीं से मैं स्वीकार करता हूँ। अरे वाह क्या बात है गजेंद्र भाई, ये गजेंद्र भाई ये निश्चिंत मानिएगा, ये किसी पद्म श्री से कम नहीं है। अगर मेरी बात ठीक हो गई हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा, कोई अपने सर की इज्जत दे दे, इससे बड़ा पुरस्कार संसार में तुम्हें अब कोई मिलेगा नहीं भाई। वाह 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 वाह, तुम में तो इतना दम ही नहीं है पंडित कि तुम अपनी टोपी ठाकुर को दे दो। मैं आपकी इस टोपी का सम्मान करने का पूरा प्रयास करूंगा, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करूंगा। वाह 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 सर, सैल्यूट सर, आई सैल्यूट यू, वाह क्या कविता के लूट रहे हैं लूटने वाले, लुटा रहा हूँ सुमित्रा, मैं ये पंक्तियां तुम्हें समर्पित करता हूँ, बहुत प्रभावित किया तुम्हारे गीत ने, कि मैं था कहाँ कहाँ तक आया इन पंद्रह सालों में, मैं था कहाँ कहाँ तक आया इन पंद्रह सालों में, तुमने मेरी खबर पढ़ी तो होगी अखबारों में, गांव शहर तक आते जाते वाह वाह और ताली लाते, गांव शहर तक आते जाते वाह वाह और ताली लाते, अब हैं लाखों रिश्ते नाते, अब हैं लाखों रिश्ते नाते, जिनका हूँ व्यापार में, लूट रहे हैं लूटने वाले, लूट रहे हैं लूटने वाले, लुटा रहा हूँ प्यार में, शाख पर फिर फूल आए, वन बगीचे मुस्कुराए, शाख पर फिर फूल आए, वन बगीचे मुस्कुराए, पर नयन बिन रूप का बाजार लेकर क्या करूंगा, पर नयन बिन रूप का बाजार लेकर क्या करूंगा, तुम न हो पाए मेरे संसार लेकर क्या करूंगा, मेरे संसार लेकर क्या करूंगा, यह कहानी प्यास की है, प्यार में विश्वास की है, जो कभी भी मिल न पाए, जो कभी भी मिल न पाए, उस धरा आकाश की है, हर फूलों का उठाए कदम तो तुमने बढ़ाए। आप कविता के पार की हैं, मैं ये गीत कहीं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं इसलिए मैं पढ़ता हूँ, कि हार फूलों का उठाए कदम तो तुमने बढ़ाए, पर लगन बिन देह पर अधिकार लेकर क्या करूँगा, तुम न हो पाए मेरे संसार लेकर क्या करूंगा, तुम न हो पाए मेरे संसार लेकर। हमारे कवि भारत भूषण जी ने लिखा, यह विसंगति जिंदगी के द्वार सौ सौ बार रोई, चाह में है और कोई, बाह में है और कोई, वो और कोई कौन था ये उन्होंने नहीं कहा, मैंने बताया कि और कोई कौन था,
कि सांस सांसों से भिड़ी है, जंग जीवन में छिड़ी है, चाह में इक राधिका है, चाह में इक राधिका, बाहों में लेकिन रुक मिड़ी है। हाय क्या बात है, वाह 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 वाह, कमाल। चाह में इक राधिका, बाहों में लेकिन रुक मिड़ी है, हाथ में मेहंदी रजाए, दुल्हन घूंघट में लजाए, हाथ में मेहंदी रचाए, दुल्हन घूंघट में लजाए, पर मिलन बिन सेज का सिंगार लेकर क्या करूंगा, तुम न हो पाए मेरे संसार लेकर क्या करूंगा, हृदय भर कर पीर लेकर, सपन की जागीर लेकर, है मुझे सोने की आदत, है मुझे सोने की आदत, हाथ में तस्वीर लेकर, झूमती पुरवा हवाएं कसक तो दिल में उठाए, झूमती पुरवा हवाएं कसक तो दिल में उठाए, पर लगन बिन देह पर मिलन बिन, पर मिलन बिन पंख में विस्तार लेकर क्या करूंगा, तुम न हो पाए मेरे संसार लेकर क्या। देखो थोड़ा आप सुस्त हो गए हैं, देखिए चरखारी बहुत अच्छी जगह है, ऐसा ना हो कि रो न पाया रुआंसा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। आपने देखो बहुत सबको अच्छे से सुना है, रतूरी जी ने चंचल नारी की गति का वर्णन किया, मेरी भी एक पत्नी है, मतलब एक है, भविष्य किसने देखा है, भविष्य तो आपने अपना देखा हो तो अलग बात हो जाए। तो मेरी पत्नी ने कहा कि जब मेरा पहली बार ही विवाह हुआ था तो हमसे बोली कि जो है आप सौंदर्य के कवि हो, तो हमने कहा हाँ है, तो बोली हमारी सुंदरता में कुछ कहिए, तो पहले के जो कवि थे उनके उनकी नायिकाएं गागर लेके पनघट से चलती थी, तो उनको गालों में गुलाब दिखता था, होंठ पे कमल दिखता था, बात चाल में हिरनी दिखती थी, बाल में बादल दिखता था, हमारे जमाने में डैमेज जीन्स वाली नायिकाएं निकलती हैं, तो कवि को जो दिखता है कवि वही लिखता है, तो सौंदर्य का भयावह स्वरूप जो हमारी आंखों में बसा वो मैं वर्णित करना चाहता हूँ, अगर आपकी तालियां मिल जाए तो। वाह, विभत्स नहीं है, भयावह स्वरूप। पहले बचपन से बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी थे देवेंद्र, तो हम जब इंटर कॉलेज में पढ़ते थे तो जिधर से सौंदर्य गुजरता था उधर हम बैठ के साइकिल की चैन चढ़ाते थे अकारण। आज हम बचपन से आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, तो ऐसा माना जाता है कि कोई कलाकार कोई चित्र बना के रखे और उसका कला का सम्मान ना करो तो ये कलाकार का अपमान है, भगवान ने सबको बनाया है तो भगवान की कला का सम्मान करने जाता था मैं, पर जब से हमारे यहाँ योगी जी की सरकार आई है तो सम्मान करने जाओ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाए, तो हमने वो बदल दिया। तो हमारी पत्नी ने बोली कि सौंदर्य में कुछ कहिए, तो मैंने कहा कि चुनरी ध्वजासी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीरिया कटार लेके आई हो, चुनरी ध्वजासी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीरिया कटार लेके आई हो, हों है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो, कामदेव, कामदेव को आप जानते होंगे, कामदेव जो है गंधर्वों के सेनापति हैं, और सहज भाषा में समझना हो तो ये समझ लो कि कामदेव बाबा रामदेव के दुश्मन हैं। तालियां नहीं बजेगी आपने यहाँ पर, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, रामदेव कहते हैं योग करो, कामदेव कहते हैं भोग करो, तो रामदेव जी कहते हैं कि संसार से विरक्त होकर योग करो क्योंकि भोग वो खुद करेंगे बाद में, कि चुनरी ध्वजासी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीरिया कटार लेके आई हो, हों है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण,
अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो, कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो, कामदेव की उपासना का परिणाम हो या रति हो या कोई अवतार लेके आई हो, मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो, मेरे दिल का। कविता में बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती, आप कविता की कला पर मुझे आशीर्वाद देना कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावना, चंचल नयन से नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावना, मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना, आवो तो चली ही आओ, जावो तो चली ही जाओ। पहले कभी लिखते थे 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा, टोटल झूठ, 300 साल कौन जिएगा। आप सोचिए हमारी कविता बिल्कुल एकदम क्लियर है कि राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, राह छोड़ो मेरी या यू लंबा नहीं भाभी वो करे दिल का राजमहल खाली कर दो, हमको तो शंका हो तो हम पहले खाली कर दे, हमको जरूरत, हम तो इसलिए 3-4 फ्लैट पहले से किराए पे ले रखे हैं। आप समझ रहे ना कि राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, बाह में लो मुझे या रहो बाह में, प्यार में जो भी करना है जल्दी करो, जाने क्या चल रहा हो हमें शाह में। चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावना, मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावना, आवो तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर ना आवो या तो आकर के जावो ना। अब हाथ खोलना और कविता की कला का सम्मान करना दादा। वाह स्वागत। तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर ना आवो या तो आकर के जावो ना, आग लेके आवो या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। वाह आग लेके आओ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। गजेंद्र भाई जिंदाबाद। आग लेके आओ, वाह कमाल कमाल। देखो हम पुरुष हैं, हम पुरुष हैं थोड़ा विनम्र होते हैं, इसलिए महिलाएं हमारा तिरस्कार करती हैं। एक अभिनेत्री थी, उसने उसको थोड़ी देर किसी सिपाही ने देख लिया, वो बैठी थी तो जाहिर सी बात है देख लेगा कोई सुंदर है तो उसने कहा हमको इसने घूरा, हमको घूरा, हमको घूरा। तो हमने कहा उसने तुमको घूरा तो तुमने भी दोस्तों घूरा, नहीं तुमको कैसे पता चला कि उसने तुमको घूरा। तो जब दोनों ने घूरा तो वो अपराधी क्यों, लेकिन हम पुरुष हैं इसलिए हम अपराधी की श्रेणी में आते हैं अगर हम महिला को घूर लें, और कोई महिला हमको घूरे तो सत्यनारायण की कथा है। हम पुरुष विनम्र होते हैं। अब आप सोचिए इस सीन को पलट दीजिए, स्त्रियां कहती हैं कि पुरुष हमको घूरते हैं। एक मिनट के लिए सोचिए कि सारे पुरुष अपनी आंखें बंद कर लें स्त्रियों को देख करके, तो स्त्रियों की क्या कीमत रह जाएगी, सौंदर्य की कीमत क्या रह जाएगी। आप सोचिए भाई हम वो छोटे आदमी हैं, 5 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीद सकते, लात तो मार ही सकते हैं, कौन हमारे को। लात मारने का मतलब हम तिरस्कार कर सकते हैं। अब सोचो कि भाई सर इतना भी सुंदर चीजें हो, हम सुंदर चीजों को देखना बंद कर दें तो उन चीजों की क्या कीमत रह जाएगी। बस हम पुरुष हैं, सहृदय हैं, सम्मान देते हैं, गाड़ी में चढ़ती कोई महिला तो सीट दे देते हैं, इसका मतलब ये थोड़े कि हम हर जगह से खराब ही हैं। लेकिन हमको खराब होने का तमगा मिला है कि पुरुष अगर देख रहा है तो वो गलत दृष्टि से ही देख रहा है, ऐसा जबकि होता नहीं है। हम कहते डगर डगर कदम, और हमारी दृष्टि कोई सामान्य दृष्टि है क्या, हम भी देखते हैं आपको तो एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर, हम लोग उल्टे सीधे थोबड़ों को भी देख लेते हैं, हम लोग पुरुष सहृदय लोग होते हैं, हम देख कर ही खुश हो लेते हैं, हमें कोई मतलब नहीं होता। डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे, और ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है लखनवी नवाब है। वाह 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 वाह। तुम्हारे पास रूप है,
तुम्हारे पास रूप है तो दृष्ट मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। कल से हमारी प्यास बुझ जाए तो नदी में चाहे किनले बहे, चाहे बिस्लेरी बहे, चाहे पूरा प्यूरिफायर लगवा दो, हमको पानी से मतलब नहीं है। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक इतना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है उधर बदन गुलाब है। ये दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। देखो है क्या, हम पुरुष लोग सहृदय होते हैं, विनम्र होते हैं, इसका मतलब इतनी कवियत्रियां हुई है सर, आप तो अध्यापक हैं सर, हम भी पढ़ाते हैं एक इंटर कॉलेज में, आज तक मुझे हिंदी साहित्य में एक पंक्ति नहीं मिली कि किसी कवियत्री ने पुरुष की सुंदरता में एक टेढ़ी मेढ़ी भी पंक्ति लिख दी हो। उल्टा सीधा उपमा दे देती कि हमारे पति की मूछे झाड़ू जैसी, टांगे बगुले जैसी लिख देती। हम कवियों ने आदिकाल से थोबड़ों को भी चंद्रमा लिखा, और ऐसे ऐसे थोबड़ों को लिखा कि चंद्रमा खुद शर्मा जाए कि कवि ने किस पे लिखा। बाद में फिर मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा कि बेटा आत्मनिर्भर बनो, पहला नारा था उनका। हम समझ गए हमको क्या करना है। लेकिन ये चरखारी वाले नहीं समझे, अगर समझ गए होते तो ताली बजा दी होते। नहीं, वो सब समझे हैं। तो मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनो, ज्यादा समझ गए। भाई साहब ने तो ऐसे हाथ बदल लिए, मुझे नहीं बनना आत्मनिर्भर। तो बोले कि आत्मनिर्भर बनो, तो हमको समझ में आया। देखो आदमी कहीं से भी सीख सकता है। हमारे गांव में रामलाल हैं, तो उनके घर में डाकू घुस गए, उनकी पत्नी को पकड़ लिया, कहा कि पैसा कहाँ, निकाल दे वरना तुझे मार डालूंगा। तो उसने कहा कि हमको नहीं मालूम है। डाकू ने कहा क्या नाम है तेरा, तो महिला ने कहा हमारा नाम शकुंतला देवी है। तो डाकू ने कहा कि ये तो मेरी माँ का नाम है, तुझे नहीं मारूंगा पर इस बूढ़े को नहीं छोड़ूंगा, क्या नाम है बूढ़े तेरा। तो बूढ़े ने कहा कि नाम तो हमारा रामलाल है, लेकिन प्यार से लोग हमको शकुंतला देवी कहते हैं। बोला आदमी कहीं से भी सीख सकता है। तो हमने क्या सीखा, हमने खुद की सुंदरता में खुद लिख लिया। आप सब तालियां बजा देना, इसलिए कि मैं एक अकेला कवि हूं जो पुरुषों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, अन्यथा आपका पतन निश्चित है। हमको ये समझ लो कि हम पुरुषों के भीमराव अंबेडकर हैं। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। वाह। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। आंखों आंख होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। बोले हमसे कुछ अध्यात्मिक उदाहरण दो। कहते कि नारियों का सम्मान किया करो। हमसे लटोरी जी बोले कि नारियों का सम्मान किया करो, नारियों की पूजा करो। तो हमने कहा हम तो करते हैं, नवरात्रि हम लोग देवियों को समर्पित किए हैं। हम पुरुषों को एक रात्रि मिली है शिवरात्रि, उसमें भी धतूरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो। हम तिरस्कार सह रहे हैं, सब जगह लिखा बेटी बचाओ बेटी बचाओ। हम कहते 100 जगह लिख दो बेटी बचाओ तो 2 जगह लिख दो बेटे बचाओ, नहीं बाद में नामीबिया से लाओगे क्या बेटे। वो बोले कि आप सिद्ध कैसे करोगे। हमने कहा आप सिद्ध है क्या, इसमें खुला है कि दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के भेद तेरे काम नहीं आएंगे। दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूके घी न कोयल बबूलों के वनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। और पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूल देने यदि राम नहीं आएंगे। वाह वाह गजेंद्र भाई जिंदाबाद। क्या आप
बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मेरा मन नहीं होता है। वाह 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 वाह, चेयरमैन साहब आ रहे हैं माला पहनाने के लिए, वाह वाह वाह। देखिए दर्द, एक गीत आपको सुनाता हूं कि दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे, कूकेगी न कोयल बबूलों के वनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे, प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे, पत्थर ही रह जाएगी यह सारी उम्र पग धूल देने यदि राम नहीं आएंगे, कि मिलने की उम्र में मिले नहीं किसी से नैन, होंगे अनियारे या दुधारे किस काम के, प्रीतम की छवि जिन में नहीं बसी गजेंद्र, हो गए अकारथ न कीमत छदाम के, सुनो प्राण प्यारी दिन रीते ही न बीत जाए, बालपना बीता दिन बीते हैं आराम के, अब ना मिलाओगी तो तब क्या मिलाओगी, जो नैन ही तुम्हारे न रहेंगे किसी काम के। वाह वाह, अरे वाह गजेंद्र भैया, एक बार लो निहार नयनों में लेके प्यार, बार बार आपके मैं द्वार नहीं आऊंगा, एक बार लो निहार नयनों में लेके प्यार, बार बार आपके मैं द्वार नहीं आऊंगा, फूल महकाए सारा गांव बहकाए, आए चाहे चली जाए ये बाहर नहीं आऊंगा, आज आर पार प्यार हो या तकरार, जाऊंगा जो उस पार इस पार नहीं आऊंगा, आज आर पार प्यार हो या तकरार, जाऊंगा जो उस पार इस पार नहीं आऊंगा, कजुरार नयनों से आज लो निहार, कल कितना भी करोगी सिंगार नहीं आऊंगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे छंद हैं, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं कई सारे मैंने आध्यात्मिक गीत लिखे हैं जिनको मैंने आधुनिक संदर्भों में, कहो युधिष्ठिर के लिए हमारे प्रदीप जी ने कहा है और अभिशापित राम के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन मैं दो गीत ना सुना के एक अपने मन का गीत सुनाता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कर्ण जब सूर्य की एक दिन पूजा कर रहा है और कुंती उनके द्वार पर जाती है और कहते हैं कि पांडवों की तरफ से तुम युद्ध करो क्योंकि दुर्योधन बलशाली है और पांडव तुम्हारे भाई हैं। कर्ण कहता है कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मैं दुर्योधन को वचन दे चुका हूं। कुंती कहती है कि तुम्हारे भाई हैं वो, तो वो नहीं मानता है। तो कुंती पूछती है कि तुम कौन हो, कर्ण कहता है कि मैं जो हूँ वो बताता हूँ। बस यही गीत की भूमिका है। इस संदर्भ में ये देखिएगा कि जब राजनीति पर संकट होता है तो राजनेता चुनाव के समय कहीं कुटिया में भोजन कर रहे हैं, केले के पत्ते पर कहीं किसी गरीब के झोपड़ी में बैठे हुए दिखाई देते हैं। उस महाभारत के संदर्भ को इस वर्तमान के संदर्भ से जोड़कर एक गीत सुनाता हूँ, आप तालियां एक बार बजा दीजिए। कर्ण कहता है कि पांडव मेरे भाई नहीं है, तुम मेरी माँ नहीं हो। कुंती कहती है कि देखो मेरी उंगलियां तुम्हारी उंगलियों से मिलती हैं। कर्ण कहता है कि ये संयोग हो सकता है। कुंती कहती फिर तुम कौन हो, कर्ण कहता है कि सुनिए मैं कौन हूं, कि जलते सूरज का ताप हूं मैं, ऋषि दुर्वासा का शाप हूं मैं, जलते सूरज का ताप हूं मैं, ऋषि दुर्वासा का शाप हूं मैं, वरदान नहीं जीवन मेरा, मेरा जीवन वरदान नहीं, जीवन का पश्चाताप हूँ मैं।
मैं सूर्य पुत्र राधेय कर्ण क्षत्रिय होकर हूँ शूद्र वर्ण, मैं हूँ अभिशाप विधाता का, मैं हूँ अभिशाप विधाता का, मेरी अन कही कहानी कुरुकुल की हे महारानी, मेरी माँ है राधा रानी कुरुकुल की हे महारानी, मेरी माँ है राधा रानी गुरुकुल की हे महारानी। कथा आप सब जानते हैं, कहता है मेरी माँ कैसी है। आंचल उसका पैबंद लगा लेकिन ममता की छाया है, पैबंद लगा आंचल उसका लेकिन ममता की छाया है, रानी महारानी नहीं सूत जननी ने दूध पिलाया है, हीरे मोती पुखराज नहीं उंगली ने जड़े मेरी माँ के, हीरे मोती पुखराज नहीं उंगली में जड़े मेरी माँ के, लेकिन उस उंगली ने पग पग मुझको चलना सिखलाया है, चलना सिखलाया है, उस माँ की दूं क्या क्या उपमा, उस माँ की दूं क्या क्या उपमा, माँ जैसी ही है मेरी माँ, उसकी आंखों में आंसू है, महाभारत का युद्ध देखकर उसकी आंखों में आंसू है, आंसू है उसकी आंखों में, तेरी आंखों में है पानी कुरुकुल की हे महारानी, मेरी माँ है राधा रानी कुरुकुल की हे महारानी, मेरी माँ है राधा रानी। कहती है कुंती खड़ी है, कहता है कि मैं तुम आई हो और क्यों आई हो मैं जानता हूँ, और भविष्य में जब जब ऐसा संकट आएगा तब तब राजनीति कुटिया के सामने खड़ी होगी, कि जब राजनीति के वैभव से कुटिया की छवि हो जाए बड़ी, जब राजनीति के वैभव से कुटिया की छवि हो जाए बड़ी, समझो सत्ता हिल रही अवश्यम भावी प्रलयंकरी घड़ी, यह धर्म राज की हार खड़ी या जीत खड़ी दुर्योधन की, यह जीत खड़ी दुर्योधन की या धर्मराज की हार खड़ी, या इंद्रप्रस्थ की कूटनीति ले कुंती का अवतार खड़ी, या इंद्रप्रस्थ की कूटनीति ले कुंती का अवतार खड़ी, माधव तेरी क्या माया है। भगवान कृष्ण को याद करता है कि माधव तेरी क्या माया है, यह दिन कैसा दिखलाया है, कल तक संकट था मैं जिस पर, कल तक जिस पर मैं संकट था, संकट में वो राज रानी कुरुकुल की हे महारानी, मेरी माँ है राधा रानी कुरुकुल की हे महारानी, मेरी माँ है राधा रानी। कहा कि तुम्हें अपने भाइयों पर ममता नहीं आती, कहा कि ममता तो आती है लेकिन ममता अगर तुमने दी होती तो जरूर याद आती, कि जिसको ममता दे नहीं सकी उसमें ममता क्यों था रही। आप सब बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, ये गीत मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं इसलिए मेरा मन स्वागत। जिसको जिसको ममता तुम दे न सकी उसमें ममता क्यों था रही, माँ आई बेटे से मिलने या राज धर्म निर्वाह रही, माँ आई बेटे से मिलने या राज धर्म निर्वाह रही, भिक्षुक बन द्वार खड़ी है माँ बेटो बोलो बेटा यह क्या दे दे, भिक्षुक बन द्वार खड़ी है माँ बोलो बेटा यह क्या दे दे, सम्राट पांडु की अधीश्वरी लो दिया तुम्हें जो चाह रही,
सम्राट पांडु की अधीश्वरी, लो दिया तुम्हें जो चाह रही, अर्जुन या मेरे रहे प्राण, अर्जुन या मेरे रहे प्राण, निर्णय देंगे विष बुझे बाण, निर्णय देंगे विष बुझे बाण, खेलेगी निर्णय देंगे विष बुझे बाण, नाचेंगे भैरव रणथल में, रणथल में नाचेंगे भैरव, खेलेगी आग भवानी की, हे महारानी मेरी माँ है राधा रानी, गुरुकुल की है।